सऊदी अरब के बाद ईरान की बारी। मुस्लिम देशों से जुड़ी है हिंदू सभ्यता। खुदाई से बाहर आया हिंदू मंदिर। समय समय पर खुदाई से निकल रहे हिंदू मंदिर इस बात का सबूत है कि इस पूरी धरती पर सनातन धर्म की मौजूदगी थी। आज भी यूरोप से लेकर इस्लामिक दुनिया की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। हर कोई अपने अपने धर्म को सर्वोपरि बताता आया है, लेकिन साधु संतों की माने तो सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। समूची सृष्टि हिंदुत्व में समाई है। एक बार फिर खाड़ी देशों से हिंदू कनेक्शन मिला। सऊदी अरब के बाद अब ईरान में खुदाई से हिंदू मंदिर के अवशेष मिले, जिसके बाद से ही इस्लामिक देशों में खलबली मच गई। बीते जुलाई महीने में सऊदी अरब से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने नास्तिकों के होश उड़ा दिए थे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में 8000 साल पुराने शहर के जो अवशेष मिले थे, उसी में मंदिर के अवशेष भी मौजूद थे। खुदाई की जगह से ठीक उसी तरह के मंदिर के अवशेष मिले जैसे महाराष्ट्र के अजंता एलोरा और कर्नाटक के बादामी के रॉक कट टेम्पल। उस वक्त पुरातत्वविदों ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि अल्फो के मंदिर के साथ वैसी ही यज्ञ वेदियां भी मिली जैसे भारत के मंदिरों में होती। वहां कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनसे पूजा पाठ से संबंधित विवरण मिलता है। और अब इसी कड़ी में ईरान का नाम जुड़ चुका है। हाल ही में ईरान की एक प्राचीन साइट में हुई खुदाई से एक हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस खोज से ईरानी इतिहास को और ज्यादा जानने का अच्छा मौका मिलेगा। खुदाई से निकले मंदिर के अवशेष किस प्रकार ईरान को भारत की सनातन सभ्यता से जोड़ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पुरातत्वविदों को उत्खनन के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईरान की एक ऐतिहासिक साइट पर हो रही खुदाई में खोजकर्ताओं को एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। बताया जा रहा है कि ये प्राचीन मंदिर ईरान से सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक ससनीद साम्राज्य से जुड़ा है। इस खोज को लेकर लोगों का कहना है कि इसके जरिए प्राचीन ईरानी कला इतिहास का एक नया अध्याय खुलकर सामने आ सकता है। तस्वीर को गौर से देखने पर ये मालूम होता है कि ये एक अग्नि मंदिर का अवशेष है। खोजकर्ताओं की टीम को प्राचीन चित्रकला से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली जो काफी शानदार बताई जा रही है। इस नायाब खोज को लेकर पुरातत्वविदों का कहना है, खुदाई में मिले अग्नि मंदिर में एक समय पर हिपो स्टाइल हॉल रहा होगा। पुरातत्वविद ने आगे कहा कि उस समय पर मंदिर का ये हॉल अलग अलग तरह की नक्काशी से सजा हुआ रहा होगा। मालूम हो कि साल 2014 से पुरातत्वविद ससनीद साम्राज्य के स्मारक की अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए अलग अलग सर्वे कर रहे हैं। इन सभी सर्वे में स्मारक की अच्छी तरह से जांच की जा रही है। बताया जाता है कि ईरानी इतिहास में ससनीद काल की क्या अहमियत है, इसका पता इसी से चलता है कि इसी ससनीद काल में आर्किटेक्चर और आर्ट्स का पुनरुद्धार भी किया गया। प्राचीन ईरान में ससनीद साम्राज्य के दौरान जो भी काम किया जाता था वो पहलवी में होता था। ये ससनीद साम्राज्य की भाषा थी और उस साम्राज्य से आने वाले सभी लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। बहरहाल ईरान की धरती से बाहर आए हिंदू मंदिरों के अवशेषों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसको लेकर खुद ईरान के भी पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। इस्लामिक दुनिया से मंदिर के अवशेषों का मिलना, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।